अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक्स मैगज़ीन में आज हम आपकी मैट्रिक्स मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही हमजहद शख्सियत के साथ। इन्होंने फ़नून लतीफ़ा की बहुत सारे शोबों में अपना नाम बनाया और मनवाया। ये एक बहुत अच्छे मुसव्विर हैं, बहुत अच्छे ड्रामा राइटर हैं, एक्टर हैं, शायरी करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अहमद हबीब की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को, उनसे बात करके, उनसे मुलाकात करके। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए तस्वीर खाना पे और मुझे मौका दिया कि आपके ऑडियंस से बात कर सकूँ। अहमद, हमें ये बताइए कि सन 88 से आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, एक तवील सफ़र है और मुझे यकीन है कि ये बहुत आसान सफ़र नहीं था, लेकिन हम चाहते ये हैं कि आप हमें सम अप करके बताएं थोड़ी सी देर में कि अहमद हबीब का ये सफ़र जो 88 से शुरू हुआ और 2021 में अब हम बैठे हुए हैं, कैसा रहा? मेरा ख़्याल ये है कि ज़िंदगी की कुछ मुसाफतें ऐसी होती हैं जिन्हें आप शुरू नहीं करते। वक्त आपको ख़ुद पकड़ के अपने पीछे गद्दी पे बैठा लेता है और फिर वो आपको लिए चलता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक्चुअली कभी भी आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता था, गो कि मेरे वालिद शायर भी थे और डिज़ाइनर भी थे, आर्ट हमारे घर में हो रहा था, मगर मेरा जो ड्रीम था वो था मैं पायलट बनना चाहता था, कमर्शियल पायलट। बोइंग से मुझे आज भी इश्क है, लेकिन ज़िंदगी के, जैसे मैंने कहा ना कि आप तय नहीं करते, कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से तय होती हैं। तो मैं, मेरी किस्मत में था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, या शायद मेरे ब्लड में मेरे वालिद की तरफ से इनहेरिट हुआ था। तो मैंने पेंट करना शुरू किया, ड्राइंग मेरी शुरू से ही अच्छी थी तो फौरन अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गई। तो वो अप्रिसिएशन की जो एक लज्जत थी वो एक्चुअली मुझे ले आई, और मैं शायद उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ कि जिन्हें ज़िंदगी के हर स्टेज पे हर एक काम में लोगों ने सराहा ही है। शायद ये मेरी खुशकिस्मती थी या क्या कह, वाकई काम में कुछ था, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो बेसिकली ये चलता गया। फिर 93 में मैंने फिर अपने वालिद साहब से कहा कि मैंने आर्ट ही करना है। फिर मैंने ओमान से ही आर्ट की प्रॉपर एजुकेशन ली, बहुत सारी ट्रेनिंग एजुकेशन तो मुझे घर से ही मिलती गई। हमारे वालिद चूँकि शायर थे, घर में शोरा का आना, डिज़ाइनर आर्टिस्ट का आना, हम ओमान में थे तो वहाँ हम, मैं काम करता गया। फिर वालिद के अपने अब्बू के प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाता रहा, तो उससे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस और एक यू नो आर्ट की अपनी एक एडिक्शन होती है जो वो लगती चली गई, और उसके बाद फिर मैं कभी भी रंगों की दुनिया से बाहर नहीं आ सका। तो फिर 94 में ओमान में मैंने नेशनल लेवल पे सेकंड प्राइज अचीव किया। उसके बाद मैंने फैसला किया कि अब एक्चुअली मुझे पाकिस्तान में जाके वहाँ काम करना है जहाँ का मैं हूँ, जहाँ का मैं पासपोर्ट रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बीइंग अ सेकंड सिटीज़न जब आप होते हैं तो आप उस तरह से खुल के काम नहीं कर सकते। तो मेरी फैमिली सारी ओमान में थी, मैंने सब घर बार बहन भाइयों को छोड़ा और पाकिस्तान आ गया। 2-3 साल मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करने में गुजारे। उसके बाद फिर 97 में मेरा पहला शो इंडिया आर्ट्स काउंसिल ने किया, और उसके बाद फिर एक चल सो चल एक तवील सिलसिला है। इस वक्त 100 से ऊपर मेरे लीड ग्रुप शोज़ हैं, 17 मेरे सोलो शोज़ हैं, और जो पार्टिसिपेशन शोज़ हैं उनकी कोई तादाद नहीं है। नेशनल लेवल पे सेकंड प्राइज अचीव किए और प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लिया मैंने, स्पीकर कौमी असम्बली अवार्ड लिया, उसके बाद गवर्नर पंजाब अवार्ड लिया, एसएस हैदर नेशनल अवार्ड, मैं 3 दफ़ा उसका पोजीशन होल्डर रहा मुसलसल, और फिर 4थी दफ़ा मैंने पार्टिसिपेट करना ही छोड़ दिया। और 4 किताबें लिखी एज ए पोइट, टीवी के लिए ड्रामे लिखे, एक्टिंग की, ड्रामे डायरेक्ट किए। सो ज़िंदगी में आर्ट, या शायद मैं अकेला था तो जो मन में आया करता गया और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो ज़िंदगी में एक लंबा सफ़र, बेसिकली 30 साल मैं समझता हूँ कि मेरे दिन और रात हैं, तो 60 साल ज़िंदगी के मैंने इस तरह से सोया कम हूँ और काम ज़्यादा किया है। 2002 में आपने तस्वीर खाना की बुनियाद डाली, तस्वीर खाना क्या है?
तस्वीर खाना बेसिकली करते करते मुझे लगा कि मेरी घर में मेरी कम और तस्वीरों की जगह ज़्यादा होती है, तो तस्वीर खाना जो है मेरे स्टूडियो का नाम है और तस्वीरों का घर जैसे नाम से ही जाहिर है, तो मेरा घर जो है वो बेसिकली मेरा कम और मेरी तस्वीरों का ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने तस्वीर खाना, तो तस्वीर खाना एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली जो के कल्चरल एक्टिविटीज़ को मैं कंट्रीब्यूट करता है जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। हम पेंटिंग्स एग्जिबिशन, आर्ट वर्कशॉप्स, अवेयरनेस पे काम करते हैं। 2019 में हमने तस्वीर खाना ड्रामेटिक स्विंग्स बनाया, उसके ऊपर फिर मैंने, चूँकि मैं मुख्तलिफ चैनल्स और इदारों के लिए थिएटर तो बना ही रहा था, तो फिर हमने अपना थिएटर बनाना शुरू किया, तो अब हम ड्रामास भी बनाते हैं, पोइट्री, आर्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं हम इस पर करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये समझ लें कि कुछ क्रिएटिव सोल्स का एक क्लस्टर है मिलके, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, हम मिलके काम करते हैं और बेसिकली मेरी जगह है लेकिन मैं अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करता हूँ और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब हमारे जहन में किसी आर्टिस्ट का इमेज आता है तो अमूमन बिखरे हुए बाल, गंदे कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, मोटे मोटे चश्मे और इस तरह का एक इमेज हमारे जहन में आता है कि ये आर्टिस्ट है। आप तो उन सबसे बहुत मुख्तलिफ हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब आप काम में आर्टिस्ट हूँ, काम के हवाले से आप पहचाने जा रहे हो, तो आपको किसी सिग्नेचर स्टाइल की या पर्सनैलिटी, किसी गेटअप की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपने आप को चेंज करता रहता हूँ, लंबे बाल भी रखे, छोटे बाल भी रखे, फ्रेंच कट भी रखी, तो वो मेरे अपने लिए होता है जब मैं अपने आप को सेटिस्फाई, तो मुझे एज सच कोई अपना इमेज किसी को इम्पोज नहीं करना होता। आर्टिस्ट कहलवाने के लिए मैं समझता हूँ कि काम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कि आप काम करें, काम से पहचाने जाएँ। और मेरी नेचर में है, मैं बहुत साफ़ सुथरा रहता हूँ, मुझे बेतरतीब चीज़ों से जो है उलझन होती है, बहुत डिसिप्लिन जो है वो मेरी शख्सियत का समझ लें एक हिस्सा है, मैं वो नहीं रह सकता। मैं रोज़ाना शेव करना, नहाना, कपड़े तब्दील करना, मैं रोज़ाना सुबह उठ के कपड़े चेंज करके अपना प्रॉपर ड्रेसअप हो के स्टूडियो में काम करता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ, शाम को साइकिलिंग करता हूँ, 1.5-2 घंटे राइड करके आता हूँ, उसके बाद शावर लेता हूँ, टीवी देखता हूँ, यू नो, एक बड़ी डिसिप्लिन लाइफ है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है। आर्टिस्ट का बेसिकली सोसाइटी में रोल क्या है? आप सोसाइटी को, यू नो, आर्टिस्ट को सबसे पहले देखना आता है। आर्ट आपको जो बुनियादी चीज़ सिखाता है वो देखना है। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में 90% लोग देखना नहीं जानते, सिर्फ आँखें खुली रखते हैं। तो आर्ट आपको देखना सिखाता है, और वो क्या देखना सिखाता है? खूबसूरती और बदसूरती के दरमियान एक जो बहुत बारीक लाइन होती है वो आपको देखना सिखाता है। तो जब आप ये लाइन वाजिया हो जाती है आपको और आपको पता है खूबसूरती और बदसूरती के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो फिर आप मुआशरे को, अपनी शख्सियत को, अपने दाएँ बाएँ, अपने माहौल को, अपनी गुफ्तगू को, अपने हर अंदाज़ को ब्यूटीफाई करते हैं। आर्टिस्ट का शुरू से ज़िंदगी में आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बेसिकली एवोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हमने सोसाइटी को निखारा है। हम खुद को कैसे गंदा रख सकते हैं और ख़ुद को कैसे बेतरतीब रख सकते हैं जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करते हो। मुझे ये बताइए कि आर्ट एज अ प्रोफेशन अभी तक पाकिस्तान में अपनी रिकग्निशन क्यों नहीं बना सका है? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बट आज भी कोई यूनिवर्सिटी ये बच्चे को इनक्रेज नहीं करती, कोई पेरेंट अपने बच्चे को इनक्रेज नहीं करता कि वो आर्टिस्ट बने, इसकी क्या वजह है? इसमें बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को देखें, अभी बने ही कितना अरसा हुआ है, 60-70 साल हुए हैं, तो इस सारे टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल इस खित्ते के अंदर देखा जाए तो इंडियन फिल्म और पाकिस्तान फिल्म और मीडिया का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है। 70s की मूवीज़ में भी देखें, आर्टिस्ट को और शोहरा को बड़ा एक बुरे तरीके से बाकायदा पोर्ट्रे किया गया।
हर मूवी में हम भी बचपन में देखते थे तो आर्टिस्ट को देखते थे, थैला एक लटकाया हुआ, बाल एक बेढंगा सा आदमी। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब आर्टिस्ट बड़े, अब रेम्ब्रांड को देखें, दाली को देखें, उनके लाइफस्टाइल देखें, सारा कुछ, तो एक्चुअली आर्टिस्ट कभी भी ऐसे नहीं रहे। ये एक बाकायदा, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं, मैं इसको कोई वो नहीं कहूँगा कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है या कोई जानबूझ के ऐसा किया गया, शायद वो प्लॉट के अंदर डिमांड थी तो उस वजह से, मगर वो एक फेमस हो गया तो उसकी वजह से दो चीज़ें हुई। एक तो लोगों ने इसको बतौर प्रोफेशन मानने से इनकार कर दिया, और दूसरा ये हुआ कि उस फर्द को एक अच्छा डिसिप्लिन्ड और मुआशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी मानने से इनकार कर दिया। इस चीज़ों का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट गया है। मैं जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आर्टिस्ट को आप एक तो तरस खाना उस पर बंद करें। हम काम करते हैं, हम इस सोसाइटी के लिए काम करते हैं और बाइज्जत तरीके से काम करते हैं, ये हमारा प्रोफेशन है। जैसे बाकी प्रोफेशंस हैं, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस हैं, ये भी एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तो हम अपने काम को इज्जत दिलवाना चाहते हैं। दूसरा ये कि मैं नहीं समझता कि इसको प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त सबसे सिक्योर प्रोफेशन है। घर में बैठ के आप किसी के बॉस नहीं हैं, कोई आपका बॉस नहीं है, बड़ी एक मैं तो कम से कम एक बड़ी खूबसूरत लाइफ जीता हूँ। सुबह 10-11 बजे उठता हूँ, आराम से काम करता हूँ, शाम को राइड करता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बैग पैक करके ट्रैवल पे निकल जाता हूँ, पेंटिंग्स किट मेरे साथ होती है, यू नो, इससे खूबसूरत लाइफ क्या हो सकती है। और मैं आर्ट से ही कमा खा रहा हूँ, तो ऐसा मैं नहीं मान सकता कि ये प्रोफेशन ही। फिर जिस शहर में जाता हूँ लोग मोहब्बत करने वाले हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं, तो मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अहमद, अगर हम देखें तो दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की जो फहरिस्त है उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने बेतहाशा पैसा बनाया, आर्ट नहीं। तो इसकी क्या वजह है? क्या पैसा कमाना और पैसा बनाना एक सिंबल बन गया है सक्सेस का? ज़रूरत तो है, नो डाउट, कि आपको एक आरामदेह और पुरसकून ज़िंदगी हर कोई चाह रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एडवेंचर को पसंद करते हैं, ये तादाद कम होती है इनकी, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते। आर्ट से बहुत से लोगों ने पैसा भी बनाया है, नाम भी बनाया है, इज़्ज़त भी बनाई है और माशरे में एक मकाम भी बनाया है। तादाद कम हो सकती है, तो अगर रेशो निकाला जाए तो आप अमीर तरीन लोगों के मुकाबले में ही उतने ही लोग आप गिन सकते हैं, ऐसे लोग भी होंगे। हम किसी कंपटीशन में पड़े बगैर, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आर्ट इस वक्त, चूँकि जब से ये सोशल मीडिया आया है तो ग्लोबली आपकी एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है, आप आर्ट दुनिया भर में बेचते हैं और आपको क्लाइंट भी मिलता है, तो गैलरीज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। जो कि पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद के अंदर तमाम गैलरीज बंद हैं, उसमें वो जो एक सीडीए का रेजिडेंशियल एरिया में से तो मूव करने से गैलरीज डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद गैलरीज अपना काम कर रही हैं और एक अच्छी रेपुटेशन के साथ काम कर रही हैं। तो आर्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो रिक्रिएट चीज़ों को करते हैं, वो मास्टर्स के काम को कॉपी करते हैं, वो रिक्रिएट कर रहे होते हैं, कॉपियां बना रहे होते हैं। डू यू कंसिडर देम आर्टिस्ट्स या आप उनको उस कैटेगरी से बाहर? देखिए, हर तस्वीर बनाने वाला शख्स आर्टिस्ट नहीं होता और हर रंग आलूद टुकड़ा पेंटिंग नहीं होती, ये आपको बुनियादी तौर पर समझना होगा। आर्ट की डेफिनेशन मुख्तलिफ है और तस्वीर कशी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। हर जो बंदा पेंट कर रहा है वो तस्वीर कशी ज़रूर कर रहा होता है, मगर आर्ट के पैरामीटर्स मुख्तलिफ हैं। अगर आपका आर्ट डायलॉग नहीं करता, आपका आर्ट आज को डायलॉग नहीं कर रहा, आपके अपने एक पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट होता है आपका, जिस इरा में आप जी रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या है, तो अगर आपका आर्ट ये सारी कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर, तो मैं तस्वीर कशी है। दूसरा, ये जो आप कॉपी की बात कर रहे हैं उसको तो हम सिरे से इस लिस्ट में रखते नहीं हैं, क्योंकि देखिए, इंस्पिरेशन होना एक और चीज़ है और किसी आर्टिस्ट को कॉपी करना और चीज़ है। पहली बात तो यह है कि मेरा मानना यह है कि एक बड़ा आर्टिस्ट
कभी कॉपी होता ही नहीं। मेरे नज़दीक अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट की डेफिनेशन लें तो मैं कहता हूँ कि एक बड़ा आर्टिस्ट कभी कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो स्टारडम होता है वो एक उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको कोई आर्टिस्ट कॉपी कर नहीं सकता। अगर उस आर्टिस्ट को कोई कॉपी कर ले तो फिर सारी ज़िंदगी उसके इन्फ्लुएंस से वो निकल नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई किसी आर्टिस्ट को कॉपी कर ले और फिर उसके इन्फ्लुएंस से निकल भी जाए तो ये एक दूसरा बड़ा आर्टिस्ट होता है, ठीक है। देखें, बुनियादी तौर पे जब आप एजुकेशन में होते हैं तो उस टाइम में अगर आप किसी आर्टिस्ट को स्टडी कर रहे हैं तो ये एक यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशन बना लेते हैं और उस आर्टिस्ट को रेप्लिकेट करके आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को उस पर बिज़नेस कर रहे होते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एथिकली एक रॉन्ग है। स्टडी के दौरान आप कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के बुनियादी असूल ये है कि तकलीद के बाद ही तख्लीक होती है। पहले आप किसी को कॉपी करते हैं स्टडी के लिए, उसके स्टाइल को, उसकी लैंग्वेज को। जैसे आप राइटर बनते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना पहले मुतालिया वसी करें, आपको ज़ुबान आएगी तो फिर आप उस ज़ुबान में बात करना सीखेंगे। तो इसी तरह पेंटिंग्स भी एक लैंग्वेज होती है, और पेंटिंग्स में की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि सबसे पहले आप दूसरे आर्टिस्ट की लैंग्वेज को समझें, उनके काम में, उनके स्टाइल में काम करें, लेकिन इतना नहीं कि उनके इन्फ्लुएंस से सारी ज़िंदगी आप निकल ना सकें और आप अपना कोई स्टाइल तख्लीक ना कर सकें। लेकिन जो लोग ऐसा कर जाते हैं वो फिर अपनी जगह एक शनाख्त बना लेते हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना कि पेंटिंग को कॉपी करना जो है वो इतना दुरुस्त काम नहीं है, तो फिर मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी जो है वो कैसे अपने घर में पेंटिंग लगाएगा, क्योंकि पेंट जो करते हैं लोग और जो मशहूर आर्टिस्ट हैं वो इतने महंगे हैं कि हर आम बंदा उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे आर्ट को हम लोगों को? बायर्स की भी दो किस्में होती हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि आर्टिस्ट की दो किस्में होती हैं, एक तो ये है कि एक कॉपियर है और एक जेन्युइन आर्टिस्ट है। इसी तरह बायर भी जेन्युइन बायर होता है जो कलेक्टर होता है, और एक वो होते हैं जो ड्राइंग रूम को भरने के लिए पेंटिंग्स लेते हैं, ये बस एक जनरेशन तक की उस पेंटिंग्स की लाइफ होती है। वो काम उनको भी पता होता है कि वो रेप्लिका ले रहे हैं, कॉपी ले रहे हैं, क्योंकि प्राइस आप जो है देख लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखें, जो सीरियस बायर होता है उसको पता होता है कि इस काम की वैल्यू क्या है, वो उसको पे करता है और वो पेंटिंग्स उसको वो वैल्यू रिटर्न भी करती है। तो इसलिए काम अच्छा काम तो हमेशा महंगा ही रहा है दुनिया भर में, क्योंकि बायर एक चीज़ जो एक ट्रस्ट बेसिकली आर्टिस्ट से ले रहा होता है। वो ट्रस्ट क्या होता है कि आप 1 लाख की एक पेंटिंग ले रहे हैं और आप ये क्लेम कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये एक पेंटिंग है जो इस वक्त आपके पास है, ये पूरी दुनिया में ये पेंटिंग किसी और के पास नहीं है। तो बेसिकली ये जो ट्रस्ट होता है इसी की वैल्यू होती है और इसी की वर्थ होती है। तो बाकी रेप्लिका आप लेता हैं तो हो सकता है आपके पड़ोस में भी वैसी लगी हो, आपके जानने वालों में भी वैसी लगी हो, तो इसलिए उसकी वर्थ जो है वो वैसी नहीं होती, वो उसकी बहुत सारी रिप्रोडक्शंस होती हैं। अच्छा अहमद, आपकी बात से मैं इत्तेफाक तो करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आर्ट गैलरियों में अभी तो एक सर्टन मोनोपोली कायम हो गई भी है ना। अब वो आर्टिस्ट जो बहुत नाम बना चुके हैं उन्हीं का काम लगता है और उन्हीं का काम बिकता है। बहुत सारे यंग आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीर कशी करते हैं, लेकिन ना उनकी पहचान है, ना रिकग्निशन है, ना वो बिकते हैं। क्या किया जाए? देखें, ये बात तो आपकी सही है कि आर्ट गैलरियों में एक ग्रुपिंग और ये जो मोनोपोली है, ये सिर्फ आर्ट गैलरियों में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में है। मतलब आर्ट की मार्केट गैलरियों तक महदूद नहीं है, उससे बाहर भी है। तो जो लोग अपना नाम बना चुके हैं, नो डाउट कि उनका इन्फ्लुएंस, वो ना भी मोनोपोली करें तो उनका इन्फ्लुएंस जो है आपकी आर्ट की मार्केट में या आपके जो ओवरऑल आर्ट सेक्टर है उस पर रहता ही है। न्यू कमर्स जो हैं वो बिलाशुबा एक मुश्किल रास्ता है। मैं कहता हूँ कि आर्ट की बतौर आर्टिस्ट आपकी लाइफ कोई आसान लाइफ नहीं होती। अपने आप को मनवाना, अपने आप को मनवा लेने के बाद उस पोजीशन को या अपने
उस फेम को मेंटेन रखना एक्चुअल चैलेंज वहाँ से शुरू होता है जब आपको लोग जानने लगते हैं, तो अब आपको क्या करना है, क्या बात करनी है, किस तरह अपने आप को कैरी करना है, अपनी पोजीशन को आपने मेंटेन कैसे रखना है, असल चैलेंज तो वहाँ से शुरू होता है। अपने आप को मनवा लेना या किसी जगह पे पहुंच जाना इतना बड़ा मसला नहीं होता। वो आप बहुत सारे लोग रातों रात भी पहुंच गए और अगले दिन हमने देखा तो बहुत सारी बुरी न्यूज़ में थे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन असल चैलेंज वहाँ से शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ कि न्यू कमर्स को एक तो ये है कि अपने आप को जेन्युइन रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मुश्किल रास्ता है, लोग उस पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, पेंटिंग्स बिकने लगती हैं तो देखते हैं ट्रेंड के साथ बहने लगते हैं, और ट्रेंड जो चल रहा है उसमें साल दो साल बाद क्या होता है कि उनका काम बिकता है, तो उसके बाद चूंकि उस ट्रेंड को बहुत सारे और लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो जो बेहतर फॉलो करने लगता है वो ऊपर आ जाता है और पीछे, तो लोग बेसिकली जेन्युइन नहीं रहते। वही बात के डायरेक्ट ना सही तो किसी के स्टाइल को कॉपी करने लगेंगे, किसी के स्ट्रोक को कॉपी करने लगेंगे, किसी के पैलेट को कॉपी करने लगेंगे, तो बेसिकली आर्टिस्ट के किसी न किसी आर्टिस्ट का कैंप ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंस होना कहते हैं। तो वो बेसिकली उस आर्टिस्ट का जो एक जॉनरा होता है, उसका स्टाइल होता है, तो वो एक पूरे कैंप की तरह होता है, डोम होता है पूरा, तो वो उसके शेल्टर में चले जाते हैं। तो एक्चुअली वहीं से वो अपनी शनाख्त खुद खो देते हैं, जिसकी वजह से वो उनको लगता ये है कि वो अपनी पहचान नहीं बना पाए। पहचान बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि तालाब, पानी के तालाब में आपको तेल की बूंद की तरह जीना होता है। उस तालाब में रहते हुए भी आपको अपने आप को बड़ा सेपरेट रखना होता है। जब तक आप अपनी शनाख्त को पहले दिन से ही सेपरेट रख के उस काफले में नहीं चलेंगे, जब आप भीड़ में गुम हो जाएंगे तो आपको आपकी शनाख्त नहीं मिलती। ये मैं न्यू कमर्स के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक टफ़ रास्ता है, मोनोपोली भी है, सब कुछ है। आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं, ये जो हमें लगता है मोनोपोली है सब कुछ, मैं भी बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ और बहुत एक लंबी स्ट्रगल की है। तो मोनोपोली होती है या हमें लग रही होती है, एक्चुअली हर आर्टिस्ट मोनोपोली कर नहीं रहा होता। चंद लोग हैं जो बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत कर रहे हैं, सब आर्टिस्ट ऐसा नहीं कर रहे होते। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका एक उनकी एफर्टलेस एक इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के ऊपर, एक काम है जिस जो हर देखने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो जो न्यू कमर्स आते हैं वो ना चाहते हुए भी उस आर्ट को, उसके स्टाइल को अपनाने लगते हैं। वो आपको फोर्स नहीं कर रहा होता। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे आप ज़िंदगी में मिले भी नहीं होते और आप उनके स्टाइल को सालों कॉपी कर रहे होते हैं, उसने कभी आपको नहीं कहा होता। तो बेसिकली मेहनत ही एक रास्ता है जो आपको अपनी पहचान कभी ज़ाया नहीं जाता, और कभी ये इसमें देर हो सकती है, लेकिन जेन्युइन रहें और अपने आप के साथ अपनी कमिटमेंट पे कायम रहें। जिस दिन आप अपनी कमिटमेंट छोड़ देते हैं, जो फेमस हुआ, एक्चुअली होता क्या है कि लोग आसान रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। न्यू कमर्स, आज का जो न्यू कमर है, बेसिकली जो यंग आर्टिस्ट है, वो भी रातों रात जो है फेमस होना चाहता है, रातों रात अमीर होना चाहता है। तो इसलिए वो देखता ये है कि जो स्टाइल बिक रहा है उसी में धड़ाधड़ पेंटिंग्स बनाएगा, एक आध शो हो भी जाएगा, उसके बाद उस शो का भी क्रेडिट एक्चुअली उसी आर्टिस्ट को जा रहा होता है जिसको वो कॉपी कर रहा होता है। बहुत दफ़ा हुआ, मैं अब बात करूं, मेरे स्टाइल में एक आर्टिस्ट ने काम करना शुरू किया, ये कोई 7-8 साल पहले की बात है। उसके सोलो शो हुआ और उस सोलो शो में जो बंदा आ रहा था वो ये कह रहा था कि अहमद ये तो आपकी तरह का काम है, अहमद ये तो आपकी तरह का काम है। तो बेसिकली उस शो का फ़ायदा उसको कम हुआ, वो मुझे ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली लोग आर्ट को सीरियसली नहीं लेते, इसकी स्ट्रेटजी को नहीं समझते, आर्ट में ग्रोथ कैसे करनी है इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। कभी इस कश्ती, कभी उस कश्ती, कभी इधर कभी उधर, तो वो चलते जाते हैं, तो इसलिए वो खुद कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्ट की एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है उसमें। तो मुझे फिर ये बताएं ना कि आप और आप जैसे दूसरे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, उन्होंने मेंटोरिंग कहाँ की है? क्या आप लोगों ने यंग आर्टिस्ट्स को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जहाँ पे आपने उनको मेंटोर किया हो, बताया हो कि क्या सही है क्या गलत है,
क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जी बिल्कुल, मैं पिछले कोई 17 साल से 18 साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के दौरों पे जाता हूँ, स्टूडेंट्स को लेक्चर देता हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, थीसिस के स्टूडेंट्स को, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरे स्टूडियो आते हैं, यहाँ मुझसे सेशंस लेते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि मार्केट में अब एक्चुअली जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर होता है एजुकेशन के दौरान, उसके बाद उसके ऊपर चूंकि यूनिवर्सिटी उसको गाइड कर रही होती है, टीचर्स उसके साथ होते हैं, तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि इस इदारे से बाहर निकलेगा तो एक नई दुनिया है और वो किस तरह की दुनिया है। तो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को फिर उनकी फर्दर स्ट्रेटजीज़ जो है उस पर मैं लेक्चर्स देता हूँ कि अब आपने किस तरह अपने आप को चैनलाइज़ करना है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो तस्वीर खाना चैनलाइज़ करता है, हमने उनके एग्जिबिशंस कराई, उनको क्लासेस दी, उनके साथ हम काम करते हैं। फिर बहुत सारे न्यू जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, मैं अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनको साथ लेता हूँ, उनको पे करता हूँ और उनको ट्रेनिंग होती है एक तरह से कि आपने किस तरह इंडिविजुअल रखना है। तो बेसिकली मैं अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर चुके हैं और करते रहें, लेकिन ये होता है कि कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा होता है जो बात समझ पाता है और वो निकल जाता है, लेकिन चूंकि सोशल प्रेशर इतना होता है, बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, पैसा मिल रहा है, किसी इदारे के लिए काम करना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपनी सारी एनर्जीज़, अपनी क्रिएटिविटी किसी और को देना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक मुश्किल रास्ता है जो कि आपको अपनाना होता है, बहुत लंबा रास्ता है जिस पर आपको मुसलसल चलना होता है। अहमद, जो मुझे फ़ील होता है वो ये है कि पाकिस्तान में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है उसके ज़रिए आर्ट को भी और आर्टिस्ट को भी बहुत प्रमोशन मिली। मुझे नहीं पता ये तासर दुरुस्त है या गलत है, बट मैं जितने भी बड़े बड़े नाम देखती हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उनमें से बेशतर जो थे वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करते थे। इसकी क्या वजह है? हमें थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर के कैनवस पे देखना होगा। 14-15 सेंचुरीज़ में जब कैमरा इन्वेंट हुआ तो वहाँ से आर्ट के अंदर मूवमेंट्स का जब आगाज़ हुआ तो वहाँ से जो है ये सारी बात चली। पाकिस्तान में तो आर्ट की जो हिस्ट्री है, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की ही हिस्ट्री 60-70 साल से ज़्यादा नहीं है, तो पाकिस्तान के आर्ट में ये 60-70 साल जो है वो कुछ नहीं होते। बेसिकली ये हम जिस टाइम से गुजर रहे हैं, ये टाइम ही मॉडर्निज्म का है, नई नई मूवमेंट्स का है, नए नए उफक तलाश करने का है। तो इसी में आर्ट के अंदर भी नई नई मूवमेंट्स आई, तो मॉडर्निज्म के टाइम में हम जी रहे हैं और नई नई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई नई तहरीकें आर्ट में आ रही हैं। तो बेसिकली देखना पड़ेगा कि आर्ट जब ये कैमरा इन्वेंट हुआ तो उससे पहले आर्ट सिर्फ तस्वीर कशी का नाम ही आर्ट था, यानी आपने किसी चीज़ को देखा और उसको एज इट इज़ कैनवस पे या पेपर पे अगर मुंतकिल कर लिया तो ये अपनी जगह ये भी एक आर्ट है, मगर ये ही आर्ट नहीं है इस वक्त। उस वक्त ऐसा था कि तस्वीर कशी ही एक आर्ट समझा जाता था, फिर एक डब्बा आया और उसने एक सेकंड में वही रिज़ल्ट बल्कि उससे बेहतर रिज़ल्ट दे दिया, तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज था आर्टिस्ट के लिए कि अब क्या किया जाए। तो उसके बाद फिर आर्टिस्ट ने मैज़ तस्वीर कशी से बढ़ के अपने शोल्डर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली कि अब हमने थ्रू आर्ट सोसाइटी को सुधारना भी है, सोसाइटी को एजुकेट भी करना है, प्रोवोक भी करना है, वोक भी करना है, एंडोरमेंट भी करनी है सोसाइटी की। और ये सारी चीज़ें जब आईं तो थ्रू आर्ट जब डायलॉग शुरू हुआ तो फिर बहुत सारे और एलिमेंट्स आर्ट के अंदर शामिल हो गए, जिसमें कंपोजिशन की नई नई जो हैं वो ग्रामर बनी, फिर उसके बाद आपके पैलेट रिच होता गया, आपके स्ट्रोक के अंदर तब्दीलियां आने लगी, सिंबलिज्म, नए नए सिंबल्स डाले गए, सिंबल्स के थ्रू जब डायलॉग करना हुआ तो फिर ये आर्ट के अंदर सारी तहरीकें जब चलीं तो फिर आर्ट वो जो एक बुनियादी आर्ट था तस्वीर कशी तक महदूद था तो वो वहाँ तक महदूद नहीं रहा। उसके बाद फिर आर्ट की नई से नई शक्ल होती गई। तो बेसिकली अब हम जो है वो आर्ट के थ्रू सिर्फ एक यू नो एंटरटेनमेंट नहीं है आर्ट। पहले ये होता था कि एक खूबसूरत लैंडस्केप घर में लगा है, आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, तालाब है, उसके अंदर मछलियाँ और ये सब, ये एक एंटरटेनमेंट की हद तक था। वो आर्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो बैज एक आपकी एक्सरसाइज तक रह गया है। अब आर्ट इससे आगे की बात है। आर्ट वैसे भी मेरे नज़दीक
जब बहुत से लोग कहते हैं ना कि आपकी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, तो फ्रेंकली मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि आर्ट खूबसूरत नहीं होता, आर्ट आर्टिस्ट का सच होता है, और सच को कड़वा होना पड़ता है या कड़वा ही होता है। तो इसलिए खूबसूरती का लफ्ज़ पेंटिंग्स के लिए नहीं होता। पेंटिंग्स जो है एक सच्चाई है, आपका एक डायलॉग है, ये कड़वी होती है। और जैसे साद कैन की थी, शाकिर अली की हैं, वो आप घरों में लगा के एंटरटेन नहीं हो सकते उससे। ये आपकी ज़िंदगी की तलखियां हैं, ज़िंदगी की सच्चाइयां हैं, तो इनको आपने एज इट इज़ उन तलखियों और सच्चाइयों के साथ एक्सेप्ट करना होता है। आर्ट आपको एंटरटेन नहीं करता। बिल्कुल आखिरी सवाल, ऑल्दो के सवाल बेतहाशा हैं और हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम इस नशिस्त को ख़त्म करें, लेकिन बहरहाल इसको कहीं पे तो इख्तिताम पे पहुंचाना है। तो जो आखिरी सवाल मैं आपके से करना चाह रही हूँ, मेरे दिल के बड़े करीब है। मुझे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान में, जैसे कि दूसरी फील्ड्स में हमें ख़वातीन कम नज़र आती हैं, आर्ट की फील्ड में भी हमें ख़वातीन बहुत कम नज़र आईं, या वो उस प्रोमिनंस पे नहीं पहुँच सकें जिस पर मर्द हज़रात थे। इसकी वजह क्या वही टिपिकल एक पदरशाही निज़ाम है जो कि मर्दों को प्रमोट करता है, ख़वातीन को पीछे करता है, या ये कि ख़वातीन ने इस प्रोफेशन को सीरियसली लिया नहीं, या घरेलू कामकाज की वजह से उनकी वो सारी जिम्मेदारियां टेक ओवर कर गईं और उनका आर्ट बहुत पीछे रह गया? न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आर्ट में ख्वातीन की तादाद कम है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया, तो पाकिस्तान के अंदर ख्वातीन तो बहुत दूर की बात, मैं कहता हूँ कि जितने आर्टिस्ट होने चाहिए थे उतने मेल आर्टिस्ट भी उभर के सामने नहीं आए। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमारे माशरे के अंदर या हमारे मुल्क में माशी हालात या सोसाइटी में वो स्टेबिलिटी अभी तक वैसी नहीं आ सकी। फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक हम आटे चीनी की लाइन से बाहर नहीं निकल सके। आर्ट को समझने और आर्ट को समझाने वालों की तादाद भी उसी हिसाब से बहुत कम है। तो इतनी कम तादाद में पूरे पाकिस्तान में गिने चुने आर्टिस्ट के होते हुए अगर उनमें ख्वातीन ज़ुबैदा आगा जैसे लोग मौजूद हैं, उसके अलावा आप एनामोल का अहमद हैं और दूसरे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ख्वातीन का और बहुत खूबसूरत काम किया है। मैं तो नहीं समझता कि ख्वातीन कम हैं। हमारे अपने कंटेम्प्रेरी बहुत सारी ख्वातीन हैं जो हमारे साथ एग्जिबिट करती हैं, काम करती हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स में होती हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ख्वातीन कम हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ आर्ट की इस फील्ड में ख्वातीन का बहुत सारी गैलरी ओनर्स आर्ट को प्रमोट करने वाली, अभी नोमैड आर्ट गैलरी को ले लें, नगीन हयात, इतने सालों 35-40 साल हो गए आर्ट को प्रमोट कर रही हैं। तो पेंट करने से ज़्यादा तो आर्ट को प्रमोट करने वालों का कंट्रीब्यूशन है और उनका कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह तंजारा गैलरी है, वो नौशी चला रही हैं, बहुत सारी गैलरीज हैं। ख्वातीन का तो आर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू अहमद, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत सारी आर्ट और आर्टिस्ट से रिलेटेड मालूमात आपने हमें फराहम की। आई एम श्योर कि मेरी तरह आप लोगों को भी ये एपिसोड देख के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अहमद हबीब ने आपको चंद एक टिप्स भी दी हैं उन यंगस्टर्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। पूरी एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैट्रिक्स मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।